टमाटर प्याज की खट्टी मीठी चटनी बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। स्पेशली ये डोसा अप्पे या फिर इडली के साथ खाई जा सकती है, लेकिन आप इसे पकौड़ों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर और प्याज की खट्टी मीठी चटनी। तो आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। टमाटर प्याज की चटनी बनाने के लिए मैंने एक पैन गर्म किया। पैन में डाल देंगे 1 चम्मच तेल। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। फिर इसमें डालेंगे खड़ा धनिया 1 चम्मच। फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखेंगे। दो सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो इसके बीजे निकाल दें। 6 से 7 लहसुन मिक्स करके 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज को मैंने रफली चॉप करके लिया है, इसे डाल देंगे। प्याज जो हमारे हल्के भून गए तो इसमें मैं 1 चम्मच पीनट ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, डालना है तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर देंगे, लेकिन इसे डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। पीनट को भी 2 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे कि हल्का सा क्रंची हो जाए। पीनट हमारे, मैंने 2 से 4 मिनट के लिए पीनट को भून लिया है। तो अभी मैं इसमें 2 टोमेटोज ऐड करूँगी। मैंने 1 प्याज लिया है तो 2 टमाटर डालेंगे रफली चॉप किया हुआ। टमाटर के डालते हैं, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। अभी आप देख सकते हैं कि टमाटर भी जो है हल्के मुलायम हो गए हैं, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देंगे। तो ये हमारे टमाटर प्याज जो है ठंडे हो गए हैं, तो इसे ट्रांसफ़र करूंगी एक मैं ब्लेंडर जार में और इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इमली का पल्प। 1/4 चम्मच डालेंगे शुगर या फिर गुड़। ये इससे चटनी हमारी मीठी नहीं होगी बल्कि टेस्ट जो इसका और इन्हांस हो जाएगा। और इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच पानी। मुझे चटनी तीखी पसंद है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। इसका पीस के स्मूथ प्योरी बना लेंगे। तो ये देखिए हमने चटनी को पीस लिया है। अभी इसे एक बोल में ट्रांसफर करते हैं और इसका तैयार करते हैं एक मज़ेदार सा तड़का। तड़का बनाने के लिए मैंने एक तड़का पैन गरम किया है। इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच तेल। जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाएगा इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सरसों। जब हमारा सरसों चटक जाएगा इसमें डालूंगी थोड़े से करी के पत्ते, सूखी लाल मिर्ची और 1 पिंच हींग। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे वरना हमारे जो मिर्च और करी पत्ता हैं काफ़ी ज़्यादा जल जाएंगे। और आइए चलिए अब चटनी के ऊपर तड़का डालते हैं। तो ये देखिए हमारी टमाटर प्याज की चटनी एकदम मज़ेदार तैयार है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं अप्पे के साथ, डोसा के साथ, इडली के साथ। आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।